हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन थिंकर की जो वीडियो है वो मैं कंटिन्यू लेके आ रही हूँ। दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। हमारी जो वीडियो है वो एक पहली थी हमारी भीमराव अंबेडकर जी को हमने पढ़ा था, और फिर हमने रणजीत गुहा जी को पढ़ा है, रणजीत गुहा को। अब हम पढ़ेंगे डेविड हार्डीमैन को, जिन्होंने अधीनस्थ जो परिप्रेक्ष्य है सबर्टन प्रोस्पेक्टिव को अपना कर अपना जो वर्क किया है इंडिया में, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम है चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, इनका जो जन्म हुआ था 1947 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इनका प्लेस जहाँ पर इनका बर्थ डेट है वो है हुई थी रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इनका जो प्रभाव रहा उन पर रणजीत गुहा जी का रहा था, और इन्होंने आर के देसाई के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इनकी जो रुचि रही, उन्होंने जो साहस शिक्षा प्राप्त की वो भी देख लेते हैं थोड़ा। यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इंग्लैंड और भारत में शिक्षा का कार्य किया, जो भी शिक्षण कार्य किया, और अधीनस्थ समूहों के अध्ययनों में रुचि ली इन्होंने, और दलितों के कल्याण के लिए सक्रिय रहे। दलितों के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने जो वर्क किए हैं उसमें। इन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों का, जैसे कि अधीनस्थ समूहों के अध्ययन, दलित का अध्ययन, आदिवासी अध्ययन, कृषक व्यवस्था, कृषि मजदूर, इन सभी के टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी बुक के माध्यम से इन्होंने बताया, और जो गरीब निचले वर्ग के व्यक्ति थे उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया है। इनकी बुक देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, पीजेंट्स नेशनल लिस्ट ऑफ गुजरात 1981 में, द कमिंग ऑफ द देवी, आदिवासी एजर्शन इन वेस्टर्न इंडिया 1987 में, पीजेंट्स रेसिस्टेंस इन इंडिया 1994 में, फीडिंग द बनियान 1996 में, डायलॉग्स विद रूथ गांधी एंड हिज लीगेसी 2002 में। तो ये थी बुक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। इंटरनेट में एग्ज़ाम में बुक्स वगैरह पूछी जाती है, पीजीटी में भी पूछी जाती हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इन्होंने जो भारत में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने ज़्यादातर जो अधीनस्थ लोग थे उनके बीच, और जो बनिया, जो भारत के बनिया थे उनके बीच, किसानों के बीच जो एक दूसरे की स्थिति रही उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया, और जमींदार का प्रभाव, मजदूर जो स्थिति एक दूसरे के रिलेशन में थी उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब ये देवी आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे उसी बीच इनकी मुलाकात अधीनस्थ अध्ययन समूह के रणजीत गुहा जी से हुई थी, तो उनके सदस्यों से हुई, तो उनसे वो प्रभावित हुए, और इन्होंने उस प्रभाव में आके जो चीज़ें उस परिप्रेक्ष्य में देखी, जो चीज़ें उनसे प्रेरणा मिली, उसी को आधार बनाकर उन्होंने देवी आंदोलन के बारे में एक पुस्तक लिखी, और फिर उन्होंने उस देवी आंदोलन की जो बुक थी जिनको इन्होंने लिखा था उन्हें आई पी देसाई ने उन्हें दक्षिण भारत के क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान उपलब्ध कराया, और आदिवासियों के बारे में भी लिखने में उनकी मदद की थी। तो ये थे हमारे हार्डीमैन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोस्पेक्टिव के जो थिंकर हैं उनको लेके आऊँगी। तो वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कोई क्वेरी सजेशन हो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।